हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित तिवारी योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, वी हैव बीन स्टडिंग द थर्ड लेसन ऑफ हॉर्नबिल बुक डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो लेट अस स्टार्ट। अमेनहोटेप थर्ड, टूट्स फादर और ग्रैंड फादर, वॉज अ पावरफुल फैरो who ruled for almost four decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III Tut ka sambhavatah pita tha ya dada tha, lekin wo ek bahut hi powerful pharaoh tha jisne ki ancient Egypt mein 18th dynasty ke golden age mein takriban 40 years tak rule kiya. अब वो टुट का फादर था या ग्रैंड फादर था, वो ये बात जो है इस बात पे निर्भर करती है कि जो भी एविडेंसेस मिले वहाँ से टुट के टॉम्ब से, उसको एनालाइज करने के बाद क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, इस बात पे डिपेंड करता है कि अमेनहोटेप थर्ड टुट का फादर था या ग्रैंड फादर था। हिज सन अमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. अब यहाँ पे Amenhotep III के बेटे, जिसका नाम Amenhotep IV था और वो सक्सेसर था यानी कि नेक्स्ट फैरो था, उसने एक बहुत ही स्ट्रेंज सा एक रिजीम स्टार्ट किया एंशियंट इजिप्ट के हिस्ट्री में। द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन The sun disk changed his name to Akhenaten, or servant of Aten, and moved the religious capital of the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known as Amrana. तो जो उसने एक ancient regime start किया था ancient Egyptian civilization में Amenhotep IV ने, उसमें उसने क्या किया कि एटन नाम के एक गॉड की वर्शिप को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, जिसको कि द सन डिस्क यानी सूरज की तस्तरी भी हम कहते हैं या कह सकते हैं, और उसने स्वयं का नाम चेंज करके अखेंटन कर लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन यानी कि एटन का सर्वेंट। और उसने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी जिसका नाम थीब्स था, उसको एक नए सिटी में मूव कर दिया और उस नए सिटी का नाम अखेटेटन था, और आज की डेट में इस अखेटेटन नाम के सिटी को अमराना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स। और उसके बाद अमेनहोटेप फोर्थ ने पूरे के पूरे देशवासियों को बिल्कुल चकित कर दिया। कैसे चकित किया? उसने अमुन नाम के देवता के ऊपर अटैक कर दिया, अमुन के मूर्तियों को तोड़ डाला, उनके मंदिरों के दरवाजे को बंद कर दिया, और इस तरीके से पूरे के पूरे देशवासियों को नाराज कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स। रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर, जो कि लक्सर में है और एंशियंट थीब्स के साइट पे मौजूद है, उन्होंने कहा कि वो समय कितना डरावना रहा होगा जब अमून पे अटैक किया गया होगा, अमून की मूर्तियों को तोड़ा गया होगा और उनके मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया गया होगा। फिर क्या कह रहा है? द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, एंड द अखेंटन वेंट अ लिटिल वैकी। और उस परिवार ने, उस राजवंश ने जिसने कि सेंचुरीज तक इजिप्ट पे राज किया था, वो अब ख़त्म होने वाला था और अखेंटन भी कुछ सनक सा गया था। आफ्टर अखेंटन्स डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर named Semenkhere
appeared briefly and excited, with hardly a trace. अखेंटन फोर्थ के डेथ के बाद एक बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमयी रूलर जिसका नाम समेन खरे था, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए अपीयर हुआ और कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट किए बिना डेथ हो गई होगी या कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गया होगा. एंड देन अ वेरी यंग तुतेन खातेन टुक द थ्रोन, किंग टुट एज He was widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, leaving image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He regnered for about 9 years and then died unexpectedly. तो समन खरे के डेथ के बाद या उसके डाउनफॉल के बाद तुतेन खातेन, जो कि एक बहुत ही यंग एज में था, उसको राजा बनाया गया या वो राजा बना और जल्दी ही उस बच्चे राजा ने अपने नाम को चेंज करके तुतेन खामू कर लिया, जिसका मतलब होता है अमुन गॉड का जीता जागता तस्वीर. और उसने पुराने दिनों को भी रिस्टोर किया, यानी कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसको उसने रिस्टोर कर लिया. तकरीबन 9 सालों तक राज्य करने के बाद अचानक से उसकी डेथ हो गई. Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. अगर हम देखें तो इजिप्ट में बहुत सारी मम्मियों को ढूंढा गया है, लेकिन अगर टुट के फेम और उसके लाइफ और उसके भविष्य से रिलेटेड जो भी स्पेकुलेशंस थे उसको अगर हम छोड़ दें तो उन तमाम मम्मियों में से एक मम्मी था. हाउ मैनी और वो ममियाँ कितनी थीं, नो वन नोज, कोई भी नहीं बता सकता. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग. इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो कि 2003 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक तकरीबन 600 ममीज़ को रिकॉर्ड किया जा सका है उसके द्वारा, और अभी भी ममीज़ को निकाला जा रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी एनालिसिस की जा रही है. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज़ विथ अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर. अब जो अगला स्टेज था ममी को, यानी कि टुट के ममी को उसके बरियल चैम्बर से निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था बॉडी को सीटी मशीन के द्वारा स्कैन करना. और वो सिटी मशीन जिसके द्वारा स्कैन किया जाना था टुट के बॉडी को, उसको नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस, जो कि उस सिटी मशीन का मैन्युफैक्चरर था, उसने डोनेट किया था. किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममी टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. अब चूंकि टुट जो था जब जिंदा था तो वो राजा था, उसकी शानो शौकत उसके प्रजा से बिल्कुल अलग थी, ठीक उसी प्रकार वो उन तमाम ममियों में पहला ममी था जिसको कि स्कैन किया जाना था. यानी कि यहाँ पे भी टुट की राजसी ठाट पाट बनी हुई थी, मृत्यु में तो वो राजा था ही और जब जिंदा था तो वो राजा था ही, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसका जो राजसी ठाट पाट था वो अभी भी बना हुआ था, क्योंकि तमाम ममियों में वो पहली ममी थी जिसको चुना गया था सिटी स्कैन के लिए. सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन. इस सिटी मशीन ने ममी को सिर से लेके अंगूठे तक स्कैन किया और तकरीबन 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को क्रिएट किया. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, take on airy detail in the resulting image. और इस मशीन के द्वारा टुट के शरीर के या आप कह लें टुट के सिर के बहुत ही बारीक हिस्से को, और वो बारीक हिस्सा तकरीबन 6.2 millimeter का था, इस हिस्से तक को सिटी मशीन के द्वारा स्कैन किया गया ताकि एक बहुत ही फॉरेंसिक और डिटेल्ड
इमेज निकल के आए या डेटा निकल के आए. विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल सरीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग. और इसी प्रकार टूट के बाकी हिस्से, शरीर के बाकी हिस्से को भी स्कैन किया गया. किसके द्वारा? एक टीम ऑफ स्पेशलिस्ट जिसमें कि रेडियोलॉजी भी थे, फॉरेंसिक वाले भी थे, एनाटॉमी से भी थे. और अभी तक टूट के बॉडी को टूट के जो टॉम्ब में इनग्रेव्ड विंग्ड गॉडेसेस थे उसकी रक्षा कर रहे थे. उसके शरीर को आज जो है बहुत ही डीपली स्कैन किया गया सिटी मशीन के द्वारा ताकि डिटेल्ड डेटा जो है मिल सके.